शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में सलाखों के पीछे डालने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े विवादों में हैं। उन पर पैसों की आड़ में आर्यन खान को जबरन ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप है। जब आर्यन इस केस की वजह से जेल में थे, तब शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, उस चैट का अब खुलासा हुआ है। बता दें, समीर वानखेड़े ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में एक्टर संग हुई बातचीत को रिवील किया है। उनका दावा है कि ये मैसेजेस शाहरुख ने उन्हें भेजे थे। इनमें शाहरुख ने वानखेड़े से बार बार बेटे आर्यन का जेल में ध्यान रखने की अपील की है। एक्टर ने कई दफा वानखेड़े से गुजारिश करते हुए लिखा, प्लीज आर्यन पर थोड़ा नरम रहना। व्हाट्सएप चैट में शाहरुख ने लिखा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आर्यन खान ऐसा इंसान बनेगा जिस पर आपको और मुझे गर्व होगा। ये घटना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हमें ईमानदार और मेहनती युवाओं की ज़रूरत है जो देश को आगे लेकर जा सकें। आपने और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, जिसे आगे की जनरेशन फॉलो करेगी। ये हमारे हाथ में है, हम भविष्य के लिए उनमें बदलाव लाएं। आपके सपोर्ट और दयालुता का एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ। भगवान आपका भला करे, मुझे अपनी पर्सनली मिलने आना पड़ेगा ताकि मैं आपसे गले मिल सकूँ। प्लीज़ मुझे बताइए जब आपको सुविधा हो, मेरी मदद कोशिश के लिए शुक्रिया, आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।